सबसे बड़ी खबर है जहां मस्जिद परिसर में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मस्जिद में हमलावरों ने बुर्का पहनकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग इदरीस की हत्या कर दी गई है। गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के शेखपेन मोहल्ले की यह घटना है। तो पुरानी रंजिश की वजह से एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। बुलंदशहर से यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। मस्जिद परिसर में ही गोली मार दी गई। हमलावरों ने बुर्का पहनकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुरानी रंजिश थी बुजुर्ग के साथ, जिसके बाद उन्हें गोली मार दी गई है। गोलीबारी से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। लोगों में भारी गुस्सा भी देखा जा रहा है इस घटना के बाद बुजुर्ग की हत्या। ये थाना खुर्जा नगर में आज एक इदरीस नाम के व्यक्ति सुबह नमाज पढ़ने जा रहे थे, तभी उनकी हत्या कुछ लोगों द्वारा कर दी गई है। इस संबंध में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं और परिवार द्वारा एक वहीं पास का रहने वाला व्यक्ति है जिसका नाम सरफराज है, उससे पूर्व की रंजिश होना बताया गया है, जिसके क्रम में कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी। लाइक जुड़ रहे हैं। पुनीत, कब की यह घटना है, क्या कार्रवाई इस मामले को लेकर की जा रही है? बिल्कुल, देखिए अगर घटना की बात करें तो आज सुबह सुबह 5:30 बजे की घटना है, जब ये इदरीस जो है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए था, तभी ये बताए जा रहे हैं कि बुर्का पहनकर वहां पर हमलावर आते हैं और तावतोड़ गोली बरसाकर इदरीस की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुलंदशहर के जब SSP से हमारी बात हुई तो उनका साफ ये कहना है कि कुछ CCTV फुटेज जो है वो मिले हैं, अहम सुराग मिले हैं और जल्दी जो है वो हमलावरों को गिरफ्तार किया जाएगा। और इस घटना के बाद मेरठ IG जॉन भी खुर्जा पहुंचे हैं और ये है इस घटना के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, परिजनों का क्या कहना है? देखिए परिजनों की अगर बात करें तो ये घटना के पीछे की वजह पुरानी रंजिश किसी बात को लेकर के दो पक्षों में चली आ रही है और उसी के चलते SSP और परिजनों का भी ये कहना है कि उसी के चलते ये हत्या की गई है। हालांकि अभी थाने में जो है वो तहरीर नहीं दी गई है कितने लोगों के खिलाफ ये इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें CCTV फुटेज की तो SSP का साफ ये कहना है कि जो है 2 से 3 लोगों ने यह हत्या की घटना को अंजाम दिया है। जी, लेकिन मस्जिद परिसर में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो भी बुर्का पहनकर, इससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से इस हत्या कांड को घटना को अंजाम दिया गया है उसके चलते ही लगा जा रहा है कि हमलावर जो है कितने बेखौफ थे बुलंदशहर पुलिस के, उनको बिल्कुल भी डर नहीं था कि पुलिस का कहीं भी हमको गिरफ्तार कर सकती है या पहले से ही अगर पुलिस इनके खिलाफ में कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती थी, क्योंकि पता था, ये बताया जा रहा है कि पहले भी जो है इन पर हत्या करने की कोई जो पहले भी प्लानिंग की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें आज जिस तरीके से हत्या की घटना को अंजाम दिया है वो बड़ी एक चुनौती है बुलंदशहर पुलिस के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ी चुनौती है क्योंकि इस तरह की अगर वारदात दिन दहाड़े की जाएगी, आपने कहा कि सुबह सुबह इस घटना को अंजाम दिया गया है तो वाकई इलाके के लोगों में दहशत होगी। ऐसे में पुलिस कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, कब तक आरोपियों को पकड़ेगी, क्या दावा किया जा रहा है? देखिए पुलिस के दावे की अगर बात करें, हालांकि पुलिस का एक वही रटा रटाया जवाब रहता है कि हमने जल्दी 4 टीमें बना दी हैं या 6 टीमें बना दी हैं और अहम सुराग हमारे हाथ में लग रहे हैं, जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा, लेकिन ये घटना का खुलासा कब तक किया जाएगा ये फिलहाल अभी कहना मुश्किल है। लेकिन वही पुलिस ये भी बताया कि अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है, यानी इस मामले पर FIR अभी तक नहीं हुई है। देखिए FIR की अगर बात करें, हालांकि अभी जो है जो परिजनों के द्वारा तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस का ये कहना है जल्दी हमको प्रार्थना पत्र मिल जाएगा, पहले जो है बॉडी को PM के लिए भेज दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका पुनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से मातम पसरा हुआ है पूरे परिवार में, भारी संख्या में फोर्स भी मौके पर पहुंची है, अधिकारी खुद घटनास्थल का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी क्योंकि मामले में तहरीर नहीं दी गई है। ऐसे में पुलिस हालांकि दावा कर रही है कि जल्दी ही CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इस घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मस्जिद परिसर में बुर्का पहनकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।